अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं सदाए खल्क। सदाए खल्क में एक्चुअली हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कराची से वाबस्ता है। फॉर सपोज़ सेवरेज का निज़ाम है, क्या इलेक्ट्रिक के मसले हैं, महंगाई के मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको हम एक प्रोग्राम में बात करें। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कराची से बिलोंग करता है और ट्रांसपोर्ट हर इंसान के लिए ज़िंदगी में इतना ज़रूरी है जितना उसको खाना ज़रूरी है। अच्छा, लोग काविशें करते हैं, पिछली गवर्नमेंटों ने भी बहुत कोशिशें करी, वो प्रोजेक्ट लेकर आए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कराची के साथ कि वो प्रोजेक्ट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन के हवाले से और आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, लोगों के व्यूज़ लेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसकी सर्विसेज कैसी है। तो सबसे पहले आइए मेरे साथ और हम टिकट परचेज करते हैं और उसके बाद आगे का ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। जी, हमने टिकट्स ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, तो आइए मेरे साथ। कैसी है मैम? मैं ठीक। सर्विसेज को ग्रीन लाइन सर्विस में आप सफ़र कर रही हैं, कैसा देख रही हैं? बहुत अच्छा देख रही हूँ, काफ़ी सहूलत है ट्रैवल करने में, काफ़ी आसानी है। अच्छा, कार्ड सिस्टम भी है आपका? कार्ड है टिकट से सफर? नहीं, मैंने कार्ड बनवा लिया था, स्टार्टिंग में बनवा लिया था। कार्ड के क्या बेनिफिट? कार्ड के बेनिफिट 100 रुपीज़ का आपने शुरू में कार्ड बनवाना है, देन आप उसको रीलोड करते रहते हो, रिचार्ज जैसे आप करते रहते हो, 55 का आपके पास बैलेंस होना ज़रूरी है, एंड देन मैक्सिमम आप 1000 तक उसको लोड कर सकते हो। सर्विसेज को कहाँ देख रही हैं, इस तरह की सर्विसेज कराची में और होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मैं तो कह रही हूँ, प्रेफर कर रही हूँ कि मैं गवर्नमेंट सोचे इस बारे में कि ये सर्विस काफ़ी अच्छी कामयाब चल रही है तो और सर्विसेज भी हमारी। लोगों को कोई ऐसी बात जो कहना चाहें सफ़र के हवाले से? लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हुकूमत की तरफ से काफ़ी अच्छा एक इकतदाम है, काफ़ी सहूलत है, तो हम भी ख्याल रखें, आप भी ख्याल रखें ताकि ये इस सर्विस को बेहतरीन और बनाया जाए। क्योंकि गंदगी करना स्टार्ट कर देते हैं ना? बिल्कुल भी ऐसा ही होता है। लाइन का सफ़र आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत आसानी हो गई है आने जाने की और बहुत जल्दी सफ़र तय हो जाता है। ख़वातीन के हवाले से सर्विस को आप कैसे देखती हैं? ख़वातीन के हवाले से बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए बाकायदा बहुत अच्छी है क्योंकि महफूज है, महफूज ही चाहिए हमें अपनी सब बच्चों के लिए, तहफ़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये ऐसी ही होना चाहिए लड़ बच्चों के लिए। और ये दूसरी जो बसें हैं कन्वेंस है ना, उसमें बिल्कुल सही नहीं है, उसमें बिल्कुल सही बैठने की जगह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत सहूलत है बैठने की भी, एक बल्ले खड़े भी ले सकता है इंसान, तो पता नहीं चलता कि चल रहा है, झटका कुछ नहीं लगता, महसूस नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, कहाँ से सफ़र कर रहे हैं? ये मेरा रूट नहीं है, मैं गुलशन मेमार में रहता हूँ, आज हम ये घूमने की नियत से। अच्छा, बस पे घूमने आए थे आप? कैसी लगी सर? बहुत अच्छी सर्विस है। अच्छा। क्योंकि बहुत खुशी होती है अपने मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ को इस तरह से डेवलप होते हुए देखता हुए। इसके अलावा छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लोगों की छोटी छोटी सी ज़रूरतें हैं, रोज़ाना सुबह लोगों का जो हाल देखते हैं हम बसों में, लोग आगे की तरफ जाते हैं हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, चिंची रक्शे चल गए, ये चल गए, मैं तो गाड़ी यूज़ करता हूँ लेकिन उसके बावजूद मुझे एहसास है इस बात का कि किस तरीके से लोग सफ़र करते हैं। अच्छा सुहेल भाई, मैंने ना अभी बहुत सारे लोगों से बात करी और सबका अपना एक व्यू होता है, तो कुछ लोगों ने कहा जी कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा आरामदेह है, सर्विसेज बहुत अच्छी है, किराए का बड़ा मसला है, मतलब वो कह रहे हैं कि जी सॉरी अच्छा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि किराए का मसला, उसकी वजह यह है कि आप नॉर्मली ये जो रक्शे चल रहे हैं 20-25-30 रुपए तो ये भी लेते हैं नॉर्मल छोटे से छोटे रूट के। मैं अभी पहले वहाँ से और लास्ट नुमाइश तक गया और मैं वापस जा रहा हूँ, तो 55 रुपया क्या बुरा है, सबसे ज़्यादा किराया है 55 रुपये है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3। और आप अभी कहाँ जा रही हैं? घर जा रही हूँ। घर जाए, आपको कैसा लगा ट्रैवल? अच्छा लगा। तो ऐसी मज़ा आया। अच्छा, मेरी आपके फादर से बात हुई,
बता रहे हैं कि हम तो वैसे ही निकले थे घूमने के लिए ग्रीन बस में, तो आपका भी यही मोटिव था? मैंने बोला था कि घूमने जाना है ग्रीन बस में। आपने इसमें एंजॉय किया? ग्रीन बस एसी भी चल रहा है। अच्छा, ऐसी सर्विसेज बच्चों के लिए, मतलब आप जब अपने वालदेन के साथ होते हैं, फादर के साथ, वैसे तो गाड़ी में ही सब सफ़र करते हैं, लेकिन अगर इस तरह की सर्विसेज चल रहे हैं तो फिर तो और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बस की जो सर्विसेज के हवाले से हमने लोगों से बात करी है, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छे लोगों ने इसमें बात की है, पॉजिटिविटी की ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस किया गया। रीज़न उसका ये था कि ऐसी सर्विसेज कराची में बहुत ज़रूरी हैं। ख़वातीन का घर से निकलना एक दुश्वार काम, मतलब दुनिया का अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो ख़वातीन का ट्रांसपोर्ट है, जिसमें वो डेली बेसिस पे सफ़र कर रही होती हैं, चाहे वो कॉलेज जा रही हों, चाहे वो अपने प्रोफेशन में कहीं किसी जगह काम कर रही हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों। तो बहुत गहमा गहमी का आलम होता है, ख़ासकर मॉर्निंग के टाइम पे। तो इस सर्विस से ये भी पता चला कि ख़वातीन को इससे बहुत ज़्यादा आराम है सफ़र में। अच्छा, इसमें मैंने तो बहुत सारी चीज़ें नोट करी। फॉर सपोज़ हमारे पास इसमें सीट्स अगर अवेल नहीं है तो हम अगर खड़े भी होते हैं तब भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी तकलीफ़ में हैं, या कोई आएगा हमें धक्का देगा, या हमारे साथ जो है वो कोई जेब काट के चले आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एसी को अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये देखें, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, तो ये एसी के इन्होंने बाकायदगी से बटन सिस्टम जो है वो दिए हुए हैं कि अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप इसको बंद कर सकते हैं, सही है मौसम मॉइस्चराइज़र तो आप इसको खोल सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो उसमें फिर आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि इसके गेट्स जो है वो सेंसर्स होते हैं, प्रॉपर सेंसर्स हैं। जब तक ये गेट नहीं खुलेगा, जब तक ड्राइवर हजरात नहीं चाहेंगे या जो उसका जो ऑपरेटिंग अमला है वो नहीं चाहेगा, उससे पहले ये गेट नहीं खुलता। यानी कि मैं इसमें नहीं कोशिश कर सकता कि भाई गेट खोले मुझे यहीं उतरना है। ये स्टॉप बाई स्टॉप चलती है, स्टॉप बाई स्टॉप रुकती है, और जब इसका गेट खुलता है तो इसमें ऐसे सेंसर्स हैं कि हर स्टॉप पर वो रुकेगी, रुकने के बाद लोग उसके आगे आएंगे, गेट खुलेगा। पुश सिस्टम ज़्यादा से मैंने इसमें देखा है कि ये फैमिली कंपार्टमेंट है, जिसमें ये आराम से आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक आप 12 अफराद 14 अफराद घर से 10 अफराद निकलते हैं तो उसका इन्होंने डिपार्टमेंट ही बिल्कुल अलग से डिज़ाइन करके दिया है। अच्छा, फिर आप अगर थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर आपको प्रॉपरली डिस्टेंस बताया जाता है कि हम कहाँ से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ हैं, और एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक का, लाइक पावर हाउस चौरंगी से 4K चौरंगी तक का कितना डिस्टेंस है। अलाउंसमेंट बाकायदगी से होती है, जैसे जैसे कोई स्टॉप आता है एक खातून जो है वो अलाउंस करती है कि जी नाओ अब KDA चौरंगी आ गई है, नाओ अब 4K चौरंगी आ गई है, पावर हाउस चौरंगी आ गई है। तो इसमें जो सारा सिस्टम बना हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक मैं बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, देखिए जब आप किसी सेंसिटिविटी वाले माहौल में काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आपको ख़ुद भी उन चीज़ों की बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अभी इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ और मैं कोशिश करके उतरने की कोशिश करूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, इधर बहुत सारे बटन्स ऐसे हैं जो आप हंगामी हालात में, गेट नहीं खुल रहा है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सानिया आ गया, कोई ऐसा हादसा हो गया, आग लग गई, कोई ऐसा मसला हो गया, तो उसमें इन्होंने इस तरह के बटन्स दिए हुए हैं जिसको आप पुश करने के बाद अगले स्टॉप पे या जो ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा हुआ है उस तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि इस बस में ये प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, हम लोग अमूमन जो है ना वो घर पे मोबाइल चार्ज करना भूल जाते हैं, तो ये चार्जर केबल आपने यहाँ लगाई और अपने मोबाइल को बआसानी USB केबल के ज़रिए जो है वो चार्ज कर लिया। अस्सलाम। सर क्या नाम है? सईद। सईद सर, आप कितने अरसे से इस बस को यूज़ कर रहे हैं? तकरीबन 15-20 दिन हुए। तो कैसी लगी आपको सर? ठीक है, अच्छी है। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नज़र आती हैं कि इस तरह की सर्विसेज होनी चाहिए? ये मतलब रुकने का कुछ वो नहीं है कि भाई देर तक रुक रही है, ये कोई मसला है, टाइमिंग से चलती है, टाइमिंग से आ जाती है, आसानी है सफ़र में, धूल मिट्टी वगैरह नहीं है, मतलब और फलूस नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें।
किराए के हवाले से अगर बात करते हैं तो कराची में अब किराया इतना मतलब इतनी महंगी ट्रांसपोर्ट हो गई है कि आप एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे सफ़र करते हैं तो 30 रुपए दे दें, 40 रुपए दे दें, 50 रुपए दे दें। इस सर्विसेज को क्या देखते हैं, मतलब ये उनकी तरह है, उनसे सस्ती है या उनसे महंगी है? सेम ही है, तकरीबन सेम है। अगर आप करीब जाएंगे, कार्ड सिस्टम है तो वो सिस्टम में पैसे कट जाते हैं, ये है वो है, बस सेम है तकरीबन। लेकिन उन बसेज में सफ़र करना और इसमें करना कुछ तो कंफर्टेबल होगा ना, मतलब कुछ तो चाहिए। आसानी है ना, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, गर्दो गुबार नहीं है, आराम से चला जाता है, ना कोई शोर है ना कुछ है, बस ये बेहतरीन है। ये सर्विस आप यूज़ कर रही हैं ग्रीन लाइन, कितनी मुतमईन? 100% अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या समझती हैं इसमें और बसेस के इजाफा होना चाहिए? बिल्कुल इजाफा होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट की सहूलत बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी है। क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं? आप पुरसकून सफ़र रहता है, बहुत ज़्यादा स्मूथली जाती हैं, कोई ऐसा शोर शराबा नहीं होता है, ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा काम एंड कूल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब ड्राइविंग वगैरह से हर लिहाज से अच्छा है। अच्छा, मैंने ना, क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, मैंने हमेशा से ख़वातीन के हवाले से ये चीज़ें नोट करी कि उनको ट्रांसपोर्ट में बहुत दुश्वारी होती है, कॉलेजेस जाना, यूनिवर्सिटीज़ जाना, फिर कुछ ऐसी भी होती हैं जो अपने काम के लिए निकलती हैं, कुछ प्रोफेशनली काम कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं। इस सहूलत को आप लेडीज़ ख़वातीन के हवाले से कहाँ देखती हैं? बहुत अच्छी है अभी तक तो देखिए, मतलब बहुत अच्छा है ना, इन्होंने सिलसिला रखा है कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में सिर्फ ये उन्हीं को अलाउ करते हैं ना, लेडीज़ को अलाउ करते हैं, बाकी जेंट्स को उन्हीं के हिस्से में भेज देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। वरना आम जगह हमने देखा है ना, जो आम होती है ट्रांसपोर्ट के, उसमें फिर ख़वातीन की सीट पर भी मर्द ही बराजमान होते हैं, तो ऐसी ये नहीं, कोई सिलसिला यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अभी कराची में ये स्टार्ट हुई है नुमाइश से और ये आखिरी सुरजानी तक ये जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के बहुत सारे और रूट्स भी हैं, तो वहाँ भी इस तरह की ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए? होना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर हम लोग मतलब कराची के पब्लिक इन सब का ख्याल रखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, तो ये इस पे अपना यूनिवर्सिटी रोड पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लियाकतबाद साइड पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर यानी ज़्यादा आबादी है तो उस तरफ और भी ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, एक तो हमें अगर कोई फैसिलिटीज़ मिल जाती है तो वो तो सही है, हम उसको यूटिलाइज़ तो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं कि हम उसको ऐसा भी यूज़ कर रहे होते हैं कि जी वहीं बैठे हुए हैं, वहीं कोई गंदगी कर दी, वहीं बच्चे भी हैं तो उन्होंने कुछ कर दिया, बहुत ज़्यादा सामान लेकर चढ़ गए, तो आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे कराची के वहाँ को इस तरह का कोई, कि वो जब इतना आरामदेह सफ़र कर रहे हैं तो उनको क्या कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए? देखिए, मतलब हर वो चीज़ करनी नहीं करनी चाहिए जो कि ना आपके लिए आराम में खलल हो, बाकी और भी जो मतलब दूसरे जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए आराम में मसला हो। बाकी ये है कि ना, कराची आपका शहर है, कराची की ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ आपके लिए है, हमारे लिए है, तो अगर हम ही ना इन तमाम चीज़ों का नहीं ख्याल करेंगे तो फिर कौन करेगा? अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक ऐसा सिलसिला निकला है तो हमें चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें। अभी ग्रीन लाइन में आप सफ़र कर ही रहे होंगे, काफ़ी दिन से स्टार्ट हो गया, इसकी सर्विसेज के हवाले से आप सेटिस्फाई हैं? जी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ और ये कराची वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, और इसको बस बंद हो जाती है हमारे यहाँ चीज़ें, लेकिन मैं समझता हूँ इसको मेंटेन रखना ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अगर इसको इसी तरीके से मेंटेन करके चलाया जाएगा तो इसके दूरस्थ नतज हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। आज फर्स्ट टाइम है हम दोनों मियाँ बीवी का, और फर्स्ट टाइम से हम आए हैं और गए हैं गोल्डन मार्केट से कुछ परचेजिंग की है और फिर वापसी हुई है, और वापसी वहाँ से लटकते भटकते जैसे भी आए तो बहरहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर इंशाल्लाह सर्विस शुरू करेंगे और अपना घर के तरफ। किरायों के हवाले से अगर बात की जाए कि जी हम जब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप कोई भी बस हो 30 रुपये दे दें, 50 रुपये दे दें, 80 रुपये दे दें, और बाद में तो ऐसा होता है कि अगर आप लेट नाइट हो गए तो वो उससे फिर फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं कि भाई 150 रुपये दे दें, 130 रुपये, तो आप क्या समझते हैं ये किराए के हिसाब से बिल्कुल सही है ये सर्विस? मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त है, और इसको इसी किराए पे मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी सर्विस चलेगी, और बड़ी चीप मैं समझता हूँ कि इसके पैसे हैं, और बेहतरीन सर्विस है, बेहतरीन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और माशाल्लाह इन्वायरमेंट बहुत प्यारा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि हम ये 2019 में मैं हज पे गया था, तो हज पे जब हम होके आए दोनों तो वहाँ का इन्वायरमेंट देख के इतनी खुशी हो रही थी कि काश के हमारे पाकिस्तान में ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हम वहीं घूम रहे हैं, तो अल्लाह करे पूरे कराची में जो है ना इस तरीके से मामलात हो जाए, पूरे पाकिस्तान में हो जाए, और हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को, हमारे कराची को इसी तरीके से कामयाबी से हमकिनार करता रहे,
और दूर से इसके नतज रहे हैं बस। अच्छा मुझे आंटी आपसे एक बात करनी है, मुझे ये बताएं खवातीन जो है ना वो बड़ा ट्रांसपोर्ट के हवाले से डिस्टर्ब रहती हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, और बहुत ही बुरी तरह का बर्ताव किया जाता है खासकर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जो बसेस सर्विसेज चल रही हैं। आप क्या समझती हैं इसमें खवातीन के लिए क्या इकदाम? इसमें तो माशाल्लाह बड़ी इज्जत से बैठी हैं खवातीन, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। चाहे वो लेट थोड़ी सी सीट मिली, ज़ाहिर है मिल लेडीज़ आ जाती हैं ज़्यादा तो बच्चे वाली उनको भी डाल दिया, हम खड़े में कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी सहूलत से हम आज यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जब वापस आए हम लोग प्राइवेट बस से तो बहुत ख्वार होके आए, अभी हम लोग उतरे हैं वहाँ से। अच्छा मैंने ये भी सुना है माशाल्लाह से, अभी तो मैं अंदर नहीं गया, मैंने ऐसा भी सुना है भाई एसी भी है, आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, सीट बाई सीट बैठ सकते हैं, और फिर इन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं अलग अलग लोगों के, आप अगर एक फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ बैठें, आप अगर ख़वातीन हैं तो अलग बैठें। इस तरह का निज़ाम कराची में होना चाहिए? हाँ होना तो चाहिए, सब लेडीज़ को अलग होना चाहिए, जेंट्स को अलग होना चाहिए, जो उसमें मेरे हस्बैंड भी हों वो भी जेंट्स में बैठें, लेडीज़ लेडीज़ में बैठें, ताकि हम इस्लामी मुल्क की लेडीज़ हैं, हम मर्दों के साथ शाना बशाना हो चल सकती हैं, लेकिन मिल के बैठ नहीं सकती सीट बाई सीट, ना महरम है वो हम। कितना फ़र्क है उस सफ़र में और इस सफ़र में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बड़ा कम्फर्टेबल फ़र्क है। मैं फ़र्स्ट टाइम आज जो है अपने फैमिली को लेकर बच्चों को लेकर आया हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा लगा, सरजानी से स्टार्ट किया और यहाँ तक का जो सफ़र तय किया बड़ा बड़ा पुरसकून और बड़ा अच्छा लगा, और बड़ी खुशी हुई है देख कर के ये ग्रीन बस जो है स्टार्ट हुई है, और इसमें जिस जिसने हिस्सा लिया उसको सलाम है माशाल्लाह कराची वालों के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं दुबई में सफ़र कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये सफ़र? सफ़र तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन जो सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना पड़ता है ना, एक्सीलेटर नहीं चल रहा है, लिफ्ट नहीं है, वो चीज़ सही नहीं लगी। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताएं, कराची में हमेशा से ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा मसला रहा है, मर्द तो जैसे भी सफ़र कर लेते हैं लटक के चढ़ के, हमने भी अपने कॉलेज टाइम पे और ये सारी चीज़ों को देखा, ख़वातीन का निज़ाम ट्रांसपोर्ट में खासकर कराची में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप क्या समझती है ख़वातीन को इस सर्विसेज से क्या फ़ायदा हो? फ़ायदा ये है कि बस आराम से ज़रा पहुँच गई हैं, तेज़ी से ट्रैफिक में रुकना नहीं पड़ा, लेकिन ये कि लटक वटक के तो हम भी आते ही हैं। साफ़ सुथरा मैंने सुना है भाई, बहुत अच्छी सर्विस है, अभी मैंने सफ़र नहीं किया लेकिन सब सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत सफाई है ये वो, तो हम इस सफाई को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि अब जैसे जैसे रश लगेगा तो फिर लोग जो है उसमें कोताहियाँ बरतना स्टार्ट कर देंगे, गंदा संदा अपने सामान लेके, तो आप क्या समझती हैं कि हम इसका कैसे ख्याल रखें, क्योंकि खूबसूरत सर्विस अभी तक मैंने सुना है, ख्याल कैसे रखें? ख्याल हमें खुद रखना चाहिए कि हम रैपर वगैरह ना फेंकें, पान की पीके ना फेंकें, जो पान इधर उधर होते हैं, इन चीज़ों का हमें खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप सेटिस्फाई हैं सर्विस से? जी अभी तक तो है, बस सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना जो है ना ये मुश्किल है। हमारा आज का प्रोग्राम ग्रीन लाइन बस के हवाले से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पसंद किया होगा। एक्चुअली हमारा मकसद ये होता है कि हम जो भी सर्विसेज पाकिस्तान में और ख़ासकर कराची में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो चाहे वो किसी और किस्म की कोई सर्विस हो, अगर वो होती है तो कराची की आवाम को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। देखिए हर इंसान ये सोचता है कि हमारा सफ़र अच्छा हो, हमें धक्के ना लगें, हमसे पैसे ज़्यादा नहीं ले जाएँ, तो जिस तरह के कमेंट्स मेरे पास लोगों के लिए आए, लोगों ने जिस तरह से मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसी सर्विसेज कराची में होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम को आपने इंजॉय करा होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट नवीद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।